मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मुंद्रा थर्मल पावर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। विच पावर प्लांट लोकेटेड इन पंजाब? पंजाब में कौन सा पावर प्लांट है? तो गुरु नानक देव थर्मल पावर प्लांट। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। कमलंग थर्मल पावर प्लांट, तो कमलंगा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? तो कमलंगा थर्मल पावर प्लांट उड़ीसा में है। बोकारो थर्मल पावर प्लांट स्टेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? बोकारो थर्मल पावर प्लांट स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो झारखंड में। थर्मल पावर प्लांट आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो सिमहाद्री थर्मल सुपर पावर प्लांट आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट राजस्थान में स्थित है। इंद्रप्रस्थ थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? इंद्रप्रस्थ थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो न्यू दिल्ली में है। टूटीकोरिन थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? टूटीकोरिन थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो टूटीकोरिन थर्मल पावर प्लांट तमिलनाडु में है। वेयर वॉज द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश? राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। वेन वॉज द इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इस्टेब्लिश? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का स्थापित किया गया था, तो 1956 में। वेन वॉज एटॉमिक एनर्जी कमीशन इस्टेब्लिश? परमाणु ऊर्जा आयोग कब स्थापित किया गया था? 1948। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द थर्मल पावर प्रोजेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तापीय ऊर्जा परियोजना नहीं है? तो गिरल प्रोजेक्ट जो है वो तापीय योजना परियोजना नहीं है, यानी कि ओबरा पावर प्लांट है, पोचमपाद परियोजना है और कुंडनकुलम परियोजना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो तारापुर तमिलनाडु में ये नहीं मेल खाता है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है, कैगन कर्नाटका में है और जैतारा महाराष्ट्र में है। ककरापार नेशनल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया? ककरापार परमाणु संयंत्र भारत के किस निम्नलिखित राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। कोरादी थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड? कोरादी थर्मल पावर प्लांट किस जगह स्थित है? तो नागपुर में। कौन सा संयंत्र देश में अधिकतम बिजली उत्पादन प्रदान करता है? विच प्लांट प्रोवाइड द मैक्सिमम पावर प्रोडक्शन इन द कंट्री? तो न्यूक्लियर, नाभिकीय। द पावर प्लांट एट मणिकरण बेस्ड ऑन द जियो थर्मल एनर्जी इज इन? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण का बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। द थर्मल पावर प्लांट इन तमिलनाडु इज? थर्मल पावर प्लांट में तमिलनाडु में थर्मल पावर प्लांट है, तो निवेली। विच इज़ द लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। इन राजस्थान सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट इज सिचुएटेड एट? राजस्थान में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थित है छाबरा और सूरतगढ़। महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच वाटरफॉल? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस जलप्रपात पर स्थित है? तो जोग। सलाल इज द पावर प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन? सलाल डैश में जल विद्युत परियोजना है, तो जम्मू कश्मीर में। द एनर्जी डेराइव्ड फ्रॉम द हॉट ऑफ द अर्थ हीट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड? पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है जियो थर्मल एनर्जी। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स उकाई प्रोजेक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड? निम्नलिखित में से किस नदी पर उकाई परियोजना बनाई गई है? ताप्ती। इन विच स्टेट इज द चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। लोकटक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? लोकटक पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड? हरियाणा के किस जिले में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड है? तो झज्जर में। सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ? सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश में स्थित है। यादरी थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यादरी थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में।
वेयर इज़ द क्वाडा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? क्वाडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। विथ द सपोर्ट ऑफ विच कंट्री इज़ द रावतबाता न्यूक्लियर पावर प्लांट सेट अप इन? राजस्थान। राजस्थान में रावतबाता परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में के सहयोग से स्थापित किया गया है? कनाडा। नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड एट विच स्टेट? नरोरा पावर प्लांट परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड एट विच स्टेट? गोरखपुर परमाणु थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। बदरपुर थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड एट विच स्टेट? बदरपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो न्यू दिल्ली में। चुटका न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अनपारा थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अनपारा थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। अमरावती थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड एट विच स्टेट? अमरावती थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर स्टेशन इज इंडियाज फर्स्ट फुली इंडिजीनियस कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियर पावर स्टेशन? निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन भारत का पहला पूर्ण रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। बंसावारा एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बंसावारा परमाणु ऊर्जा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। रायचूर सुपर थर्मल पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन? रायचूर सुपर थर्मल पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन? रायचूर सुपर पावर थर्मल पावर प्लांट यहाँ स्थित है तो कर्नाटका में। कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। रंगीत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ? रंगीत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। सतपुरा थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड इन विच स्टेट? सतपुरा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। गुरु हरगोबिंद थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड एट विच स्टेट? गुरु हरगोबिंद थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में। धन्यवाद।